Hey guys, welcome back to the new video. आज की वीडियो काफी ज्यादा तुम्हें पसंद आने वाली है क्योंकि तुम्हें पता होगा हर कंट्रीज के कुछ सेंसरशिप रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड अगर कोई चीज उनको फुलफिल नहीं करती तो उनको लात मार के फेंक दिया जाता है उस कंट्री से। तो जी हाँ गाइस, कुछ ऐसे पोकेमॉन एपिसोड्स एंड सीन्स होते हैं जिनको काफी अच्छे तरीके से डिलीट या एडिट करवा दिया जाता है। देयर आर सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया जो कि इवन पोकेमॉन को कंप्लीटली बैन कर चुकी है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दूसरी कंट्रीज में फोकस ना करके हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। तो वेलकम माय इंडियन गैंग एंड चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कुछ डिलीटेड सीन्स एंड बैंड एपिसोड्स के बारे में। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो सीन्स को डिलीट किया जाता है या तो पूरा एपिसोड ही उड़ा दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों ही बात करेंगे, कुछ ऐसे सीन्स जो कि डिलीट कर दिए गए हैं एंड कुछ एपिसोड जिनको कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग क्या देखने आए हो। तो चलो हर बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यस, आफ्टर ऑल ये इंडिया है यार, यहाँ पे हर सीन्स को डिलीट या एडिट कर दिया जाता है। यहाँ की सेंसरशिप बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर तुम किसी फॉरेन कंट्री से देख रहे हो तो शुक्र मनाओ तुम इंडिया में नहीं हो, क्योंकि इंडिया पे तुम कोई भी शोज़ को पूरा नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे भयंकर तरीके से एडिट होता है। बट हाँ, इंडिया की कुछ अलग ही बात है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ फर्स्ट सीन के बारे में जहाँ पे ऐश और मेघा के सीन हुआ था एंड ये शायद से रिमूव कर दिया गया है इंडिया के अंदर से। यह एपिसोड को रिमूव नहीं किया गया है बट इस पर्टिकुलर सीन्स को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि तुम्हें पता होगा इंडिया में पोकेमॉन की ऑडियंस लाइक 14 ईयर्स है, उससे कम की है। तो ऑफकोर्स सेंसरशिप अलाउ नहीं करता एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग को यह प्यारा मोमेंट पोकेमॉन एनिमे के अंदर नहीं देखने को मिला एंड दैट्स वाई ये सीन कभी किसी वीडियो के थंबनेल में देख के इंडियन ऑडियंस ऐसे घुसती है जैसे कुत्तों को जब खाना मिलता है ना। एक्जैक्टली, क्योंकि ये सीन्स कभी इंडिया के अंदर दिखाया नहीं गया ना यार। नेक्स्ट पोकेमॉन सीन एंड ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि अगर तुमने कुछ ऐसे टर्म्स सुने लाइक फेमिनिज्म एंड फ्रेंड जोन देन ये चीज़ तुम लोग काफ़ी जैसे समझ पाओगे। इस पर्टिकुलर सीन के अंदर तुम लोग जानते हो यार जेसी कैसे कैसे कपड़े पहनती है एंड इसी कारण उस महान जेसी ने काफ़ी सारे पोकेमॉन एपिसोड्स को बैन करवाया। तो हाँ, अगर तुम इस एपिसोड्स को ध्यान से देखो, ध्यान से मत देखो, तुम बस इस सीन पे फोकस करो, तो तुम जैसे कि देख सकते हो यार जैसी किस टाइप के कपड़े पहनती है एंड उस पर चार लड़के फ्रेंड जोन हो चुके हैं, सबसे एक से खाना मंगवा रही है, एक से कपड़े। तो ये सीन थोड़ा फेमिनिज्म है एंड या तुम लोग समझ रहे हो ना कि मतलब क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर सीन के अंदर। मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। तो इसी कारण इस पर्टिकुलर सीन को क्या इस पूरे एपिसोड्स को ही बाहर फेंक दिया गया था इंडिया से एंड आई रियली विश काश ये एपिसोड इंडिया में आया होता क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फनी पोकेमॉन एपिसोड है। अगर तुमने नहीं देखा तो इस एपिसोड का नंबर ये है, तो अगर तुम लोग वेबसाइट पर देखते हो तो एंजॉय दिस एपिसोड, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट पोकेमॉन सीन एंड एपिसोड, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, मतलब थोड़ा ही ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें क्या होता है ब्रॉक के बारे में तुम्हें ये पता है कि उसको नर्स जॉय बहुत पसंद है, ठीक है। तो एक एपिसोड के अंदर क्या होता है ना, वो नर्स जॉय के साथ फ्लर्टिंग करना चालू कर देता है एंड वो फ्लर्टिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, इतनी ज़्यादा कि बाकी एपिसोड से फ्लर्टिंग को रिमूव नहीं कर दिया गया है बस उस पर्टिकुलर एपिसोड से उसको रिमूव कर दिया गया है। तो तुम लोग समझ सकते हो किस हद तक गया था ब्रॉक। एंड एक और चीज़ उस एपिसोड के अंदर हुई थी कि उस नर्स जॉय के पास भी क्रोगंक था एंड तुम्हें पता है कि सिनो रीजन के अंदर अपने ब्रॉक के पास भी क्रोगंक है। तो अपना जो ब्रॉक होता है वो एक सपना देखता है जहाँ पे ब्रॉक और नर्स जॉय की शादी हो रही होती है एंड वहीं पे उसकी क्रोगंक नर्स जॉय की क्रोगंक की भी शादी हो रही होती है। आई डोंट नो, ये तो काफ़ी हल्का सा मजा था यार, इसको भी रिमूव कर दिया पोकेमॉन वालों ने। बताओ यार कितना ज़्यादा अनफेयर है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ यार ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा। मतलब ब्रॉक की कितने साल से तमन्ना थी एंड पोकेमॉन वाले पता नहीं चाहते थे कि इंडियन गाइस इस चीज़ का मजा ले पाए। सो सैड। नंबर फोर, ये एपिसोड कभी भी इंडिया के अंदर नहीं दिखाया गया एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। अगर तुमने पोकेमॉन का गेम खेला ऐश क्रेव जिसमें तुम बेसिकली ऐश की स्टोरी खेलते हो, तो वो गेम एक जगह आके फंस जाता है जहाँ पे एलीट फोर होती है लॉरियल, ठीक है। एंड मैंने ये एपिसोड कभी नहीं देखा क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं थी, इसमें गलती थी पोकेमॉन के इंडियन सेंसरशिप के बारे में। यार मतलब क्या ही बताऊँ, उन्होंने लिटरली एपिसोड को डिलीट कर दिया था। एंड ऐश क्रेव एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें ऐश की पूरी जर्नी पता होना चाहिए तभी तुम उस गेम को पार कर सकते हो, वरना भूल जाओ। तो स्पेशली मैंने उस एपिसोड को देखने के लिए वेबसाइट्स का यूज किया था क्योंकि उस वक्त मैं हंगामा डब को फॉलो करता था एंड हंगामा डब के अंदर ये चीज रिमूव कर दिया गया था। बेसिकली वो क्यों रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि तुम एलीट फोर के लुक्स देख ही सकते हो एंड मैं तुम्हें चार पांच ऐसे पिक्चर दिखा रहा हूं तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि क्यों रिमूव किया गया था एलीट फोर के वाले सीन को। तो इसी कारण इस पूरे एपिसोड को रिमूव कर दिया गया था इंडियन सेंसरशिप के कारण। सो सैड यार, मतलब वो गेम मेरा बीच में फंसा
सा रह गया एंड आज तक मैं उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। आई नो ये वीडियो कुछ लोग फ्यूचर में भी देखेंगे, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से देखने वाला हूँ। अगर मान लो कि पोकेमॉन एक्स वाई इंडिया के अंदर आ चुका है एक्स वाई जी एंड फाइनली ऐश और सरीना का वो वाला मोमेंट आ चुका है, तो मैं बता दूँ ज़्यादा ख्वाब मत रखो, इंडियन सेंसरशिप उसको रिमूव कर देगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एंड अगर तुम लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं किस सीन की बात करने वाला हूँ, तो जी हाँ, मैं उसी सीन की बात करने वाला हूँ जो एस्केलेटर में जो कांड हुआ है ना, जी हाँ वही वाला सीन। तो वो इंडिया के अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से रिमूव होगा, इतने प्यारे तरीके से तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दो ये वीडियो कुछ लोग फ्यूचर में देखेंगे, इसी कारण मैं इसको इस लिस्ट के अंदर काउंट कर रहा हूँ, वरना आई डोंट नो। नंबर 3, इस पर्टिकुलर एपिसोड का नाम था शायद से मेडन पीक वाला, एंड ये पीक वाले एपिसोड में भयंकर ही डिलीटेड सीन्स हुए हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि कोई भी नॉर्मली एनिमे का एपिसोड लाइक 20 मिनट या 21 मिनट का होता है, बट मेडन पीक एक ऐसा एपिसोड था जो कि इंडिया के अंदर सिर्फ 14 मिनट या 13 मिनट का था, जस्ट बिकॉज उसके अंदर पोकेमॉन वालों ने भर के डिलीट किए थे सीन्स। तो पहला सीन जो उस एपिसोड के अंदर था वो ये वाला, जहाँ पे ब्रॉक जो है वो एक सपने में खो जाता है एंड जैसे ही वो एक शिप से बाहर निकलता है उसको पूरा रोंद के चले जाते हैं सारे लोग। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, आई वॉज फ्लैटेंड, एंड लिटरली यहाँ पे ब्रॉक फ्लैटेंड हो गया था, सब लोग उसके ऊपर से चल के निकल गए, ब्रॉक बेचारा जमीन में फंस गया। आई डोंट नो ऐसे सीन में क्या था, बट स्टिल पोकेमॉन वालों ने इस सीन को रिमूव कर दिया गया। काफ़ी फनी सीन था वैसे तो। अगर तुम लोग टेंट्रिक टूल वाला एपिसोड जानते हो तो इस एपिसोड को भी पूरा रिमूव कर दिया गया है। वी आर सो लकी गाइस अगर तुमने ये वाला एपिसोड देखा, क्योंकि ये सिर्फ सीएन डब के अंदर आया था एंड हंगामा के पुराने डब के अंदर, बट जो फिलहाल हंगामा डब चल रहा है उसके अंदर टेंट्रिक टूल वाला एपिसोड को बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं, बैंड बजाती है। एंड एज यू नो गाइस कि टेंडर क्रूल वाला एपिसोड कितना ज़्यादा तगड़ा था, इवन मैं वो एपिसोड को 5 से 6 बार और देख सकता हूँ बिना बोर हुए, बहुत ही प्यारा एपिसोड था, क्योंकि 100 बार देखूँगा कि भाई इंसान हूँ मैं, बोर हो जाता हूँ। तो हाँ, ये एपिसोड को भी आई डोंट थिंक बैन करना चाहिए था, बट मैं तुम्हें बता दूँ इसको बैन करने का रीज़न क्या था, जस्ट बिकॉज इस एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस था एंड वायलेंस नॉर्मल लेवल पर नहीं, ये इस हद तक बढ़ चुका था कि उस पूरे एपिसोड के अंदर ह्यूमन को एक्सटेंड करने वाली हालत आ गई थी, टेंटाक्रूल इतने ज़्यादा गॉड फॉर्म में आ गया था। नंबर 8, एश ड्रेस्ड लाइक अ गर्ल। काफ़ी सारे ऐसे पोकेमॉन सीन्स होते हैं जहाँ पे एश जो है वो लड़की बन जाता है, तो उसको जनरली पोकेमॉन वाले स्पेशली इंडियन जो सेंसरशिप होती है उसको रिमूव नहीं करती, बट ये पर्टिकुलर मोमेंट हुआ था सिनो रीजन के अंदर। अगर तुम लोग हंगामा डब को फॉलो कर रहे हो तब तुम्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा, अगर तुम लोग वेबसाइट्स में देखो या फिर पुराने डब में तो ये सीन तुम देख सकते हो, बट जो अभी लेटेस्ट एपिसोड्स आ रहे हैं उसके अंदर ये पूरे सीन को हटा दिया जाता है, जहाँ पे लड़की की तरह एश थोड़ा बिहेव करता है, मतलब वो लटक झटक थोड़ी हुस्न अदा वाली हरकतें, तो एश लड़की बन जाता है, अपनी एशली बन जाता है एंड वो वही लड़कियों वाली हरकत, आई होप तुम लोग समझ रहे होंगे। तो इसी कारण इस एपिसोड को भी रिमूव कर दिया गया था। वैसे एक मज़ा आता है ये एपिसोड देखने के लिए भी। वैसे मैं एक सच सच बोलूँ, ये एपिसोड ऐसे थे ना जिससे कुछ तो एडल्ट थे तो समझ आता है रिमूव करना, बट कुछ एपिसोड्स इतने ज़्यादा फनी थे कि आई डोंट थिंक इनको रिमूव करना सही चॉइस था, क्योंकि वो सही में काफ़ी ज़्यादा प्यारे मोमेंट्स बन सकते थे हमारे पोकेमॉन एनिमे के। नंबर 9, मेडन पीक के साथ जो स्कैम हुए ना, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। देखो यार, अपनी पोकेमॉन एनिमे के अंदर दो ऐसे बंदे जिनके कारण हर एपिसोड डिलीट या बैन होता है, फर्स्ट अपना जेसी, दूसरे अपना ब्रॉक, एंड ये एपिसोड एक्चुअली ब्रॉक के कारण काफ़ी ज़्यादा डिलीट हुआ था। जैसे कि तुम्हें पता होगा जब अपने एश मिस्टी और ब्रॉक जब इस आइलैंड के अंदर आ रहे होते हैं मेडन पीक के अंदर, तो ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, तो जब एश और मिस्टी उससे पूछते कि तुम इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो, तो ब्रॉक कहते हैं ये समर काफ़ी ज़्यादा बुरा गया, देन एश कहते हैं कि हमने कितनी ज़्यादा मस्ती की इस समर के अंदर, तो यू विल बी लाइक व्हाट, अगर तुम लोग ब्रॉक का रिप्लाई सुनो, क्या ब्रॉक कहते हैं क्या खाक मज़े किए इस गर्मी के अंदर, ना ही मैंने किसी लड़की को देखा स्विम सूट के अंदर। भाई इस पर्टिकुलर मोमेंट के कारण पोकेमॉन का वो वाला सीन उड़ा दिया गया था, एंड ये तो तभी मैंने काफ़ी लिमिट में बोला जब तुम ब्रॉक का असली टोन सुनोगे ना उस एपिसोड के अंदर, यू विल बी लाइक व्हाट द हेल। बहुत ही ज़्यादा फनी एपिसोड था एंड इसी कारण वो 20 मिनट का एपिसोड 14 मिनट का बन गया था, भयंकर एडिट हुआ था उस एपिसोड के अंदर। नेक्स्ट पोकेमॉन सीन, एंड ये थोड़ा ज़्यादा एडल्ट तो नहीं बोलूँगा, बट ये बेसिकली तुम्हारे थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तो तुम्हें वो एपिसोड तो याद ही होगा, शक्ल वाला, जिसके अंदर एक पर्पल शक्ल था जिसके अंदर ऐसा बोला जाता है जब तुम उसका बनाया हुआ जूस पियोगे तब सारे पोकेमॉन तुमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट एज यू नो गाइस की टीम रॉकेट उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, तो उन्होंने एक हरकत कर दी थी जिसके कारण सारे शक्ल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, तो एक शक्ल लिटरली इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था जेसी के अंदर कि उसने कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर उसने जेसी को चाटा ना हो, समझ रहे हो ना, तो इसी कारण ये सीन को भी पूरा रिमूव कर दिया गया था। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखूंगा, इससे ज़्यादा मैं एक बार मैं नहीं बता सकता, मेरा दिल टूट जाएगा यार, मतलब इतने प्यारे प्यारे सीन्स हटा दिए पोकेमॉन से।
तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के बाकी वीडियोस चेक करते जाओ। अब ऐसा क्यों है कि तुम्हें ऐसे और भी काफी सारे पोकेमॉन वीडियोस देखने मिलेंगे इस चैनल के अंदर। तो मिलता है तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि कौन सा एपिसोड बैन नहीं होना चाहिए था। तो या सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।